हाँ बच्चों, ये जो सवाल आपको 6 से 10 तक हमने बनाने दिए हैं, उसमें आप ऐसे बना सकते हो। पहले 1 लिखा हुआ है तो आप एक उंगली निकालोगे, फिर प्लस 2 लिखा हुआ है तो आप दूसरे हाथ के 2 उंगलियां निकालोगे, और अब सबको एक साथ काउंट करोगे, 1 2 3, उत्तर आपको 3 आ जाएगा, या 1 2 3 ऐसे काउंट करेंगे। फिर दूसरा में 1 लिखा है तो हम 1 उंगली निकालेंगे, प्लस फिर 1 लिखा है तो हम एक और उंगली निकाल देंगे, और अब काउंट करेंगे दोनों को, 1 2, तो उत्तर मेरा 2 आ जाएगा। इसी प्रकार तीसरे क्वेश्चन में पहले है 2, तो हम 2 उंगली निकालेंगे, प्लस फिर 2 निकालने बोल रहा है, 2 और निकालेंगे, अब हम सबको गिनेंगे, 1 2 3 4, और यहाँ 4 उत्तर हो जाएगा। इसी तरह से आगे 3 लिखा हुआ है तो हम 3 उंगलियां निकालेंगे, उसके बाद 2 है तो हम 2 निकालेंगे, अब सबको एक साथ काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ हम 5 लिखेंगे। फिर 3 है और 3 है तो 3 ये 3 ये, अब इसको हम गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 6 लिखेंगे। इस तरह आप हाथों की उंगलियों के सहारे ये सारे क्वेश्चंस सॉल्व करोगे।